मेहंदी के भी कपड़े, मैं घोड़े पे नहीं बैठूंगा। अपने देवर की बारात, मुस्कान सिर्फ हाँ ना वादे नहीं है, वो गद्दे लिखा है। टिक्का बर्गर, टिक्का बर्गर भी है। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह के बज चुके हैं 12 और हम सब अभी अभी उठे हैं। मैं मुस्कान, मुकुल, नितिन भैया, गोलू, और अब शुरू होगा हमारा आज का दिन। बेटा क्या हो गया? फाइल पोस्ट रेडिंग हो रही है इसको। मैंने आज इसके बारे में पढ़ा था। पता है ये बहुत काम होता है। उस दिन ना कालू भैया थोड़ा वैसे ही लग रहा था उनको, पर इसने काटा नहीं था। इसकी शेडिंग हो रही ना, तो देख निकल गई इसकी, इसको थोड़ी सी इचिंग हो रही, परेशानी हो रही है इसलिए। देखिए निकल गई। तो हमारी मेहंदी के भी कपड़े आ गए हैं। ये है गोलू का ब्लाउज, पीछे से स्टाइलिश है बांधने वाला। ये है गोलू की चुनरी, ये है गोलू की बेल्ट, ये है गोलू का लहंगा। वाह बहुत सुंदर है, तेरा तो दिखा। ये मेरा है और सेम है गोलू का मेरा, बस ब्लाउज डिफरेंट है। कल जो आई थी वो हमारी मेहंदी की फर्स्ट आउटफिट थी, वो थी साड़ी, दोनों की साड़ी आई थी, और आज आया दोनों का लहंगा। तो हम चेंज कर लेंगे ड्रेस, पहले पहन लेंगे साड़ी फिर पहन लेंगे लहंगा। जा बाबू नहाले धोले रेडी हो जा, फिर निकलते मार्केट के लिए यार, क्योंकि कल की तरह नहीं करेंगे यार। कल हम रात को कितने 6-7 बजे निकले थे भैया, 9 बजे आए थे, और फिर हमने कुछ लिया भी नहीं, और जिसके साथ गए थे ना उसने कुछ लिया। भैया रीत ने 5 दुकानों पे घुमाया, मैं 5 दुकानों पे घुमा के, और उसने एक चीज नहीं ले रही। और सुनो ना, मेरी साड़ी की लैस लगी ना कुछ हुआ। चलो एक काम करो, आज मेरे साथ में चलो। चलो आपके साथ ही चलेंगे, आपके साथ ही काम होते हैं हमारे। तो आज क्या क्या काम है मार्केट में? सारे काम देख, गोलू घर से निकलेंगे तो काम याद आएंगे, घर में बैठे बैठे काम याद नहीं आएंगे। एक तो भैया तजेंद्र भैया को हमें कार्ड दे के आना है, तो कार्ड उठा लेंगे, दो कार्ड दोनों भैया को दे आएंगे, एक भैया को मोंटी भैया को, एक तजेंद्र भैया को। क्या हुआ शांति, यहाँ के बैठी ऊपर बैठ जाओ। हमारे जो कैश होता है ना, 3 पर्स में होता है अलग अलग, थोड़ा थोड़ा, तो 3 पर्स थोड़े लेके जाएंगे। नहीं, इसमें से 500 निकाल लिए, मैंने इसमें 500 रखे निकाल लिए। तो पहले चीकू के पापा मना कर रहे थे मैं घोड़े पे नहीं बैठूंगा, तो अभी हम लोगों ने कुछ प्लान करा है कि हम लोग उनको घोड़े पे नहीं बिठाएंगे, हम बिठाएंगे उनको रथ पे। मतलब और भी ज्यादा रॉयल लगेगा घोड़ी पे, घोड़ी की जगह रथ पे आएंगे चीकू और चीकू के पापा। जब सरोज भाभी आएंगे ना, तो सरोज भाभी से डांस करवाएंगे हम। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं, ना बैंड बाजा ना ही बारात, रथ पे सवार हो के लो चली मैं। अरे रोज क्या कल, अच्छा मेरा हाथ गीला था, कार्ड कर लाल। मैं कहती हूँ मेरा रोज हाथ में लाल लाल क्या लग जाता है, अभी पता लगा एक कार्ड का कलर निकलता है। हमारी हल्दी और मेहंदी होने वाली है आगे वाले पार्क में, मतलब जो स्विमिंग पूल का एरिया देख रहे हो ना, उससे आगे। पायल की हमारी नहीं भैया, इनकी और पायल की तो हमारी हुई ना। अभी गोलू और पायल मिठाइयाँ ले रही है। क्या चीज है वो? मिर्च, मिर्च वाला ले लेना। पायल, गोलू पायल को अच्छा नहीं लगता ना, छोड़ दिया ना। हाँ लिया ना, बात सुन, आगे से ना ये भी लेगी ना मना कर देंगे। ये तो लेती कम है। नहीं नहीं, आप बोल देंगे घर पे रखा है उसका। ना जी बेटा, अभी कुछ ऐसा सीन हो गया, मैं पायल को दिखाऊंगा अभी। क्या भैया? पायल तेरे कान पे ना फाउंडेशन इतना लगा हुआ है, देखना। अंदर तो मैं बोला ही नहीं। तो मैंने ये वाले बाल लिए हैं, और ये बाल जो है मैं थोड़े से बाल उठा के नीचे लगा के, वो जो ग्रीन कलर की चोटी दिखाई थी ना, मैं उसके लिए लिए मैंने। तो आप एक काम करो, वो अगर हल्दी वाली खा ली है तो कोई बात नहीं, वो रहने दो, मुझे 6 चूड़ी दे दो रेड कलर की। पहले हमने ग्रीन चूड़ी तो ले ली थी। हाँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 24 से पहले 23 तारीख को हम बैंगल सेरेमनी कर रहे हैं, उसके अंदर हम पायल को हरी चूड़ियाँ और लाल चूड़ियाँ चढ़ाएंगे। बारबी डॉल वाला चाहिए ना? यहाँ से पहले ले ले, फिर पायल इसको पर्स भी बना लेंगी। हाँ पर्स इसको दिया था ना हमने, वो यूज नहीं करती बेटा। बोलो उन मुस्कान के लिए वो फूल वाली ज्वेलरी ले ले, हल्दी के लिए ना, सब पहनेंगे ना लोग। आए हैं मुस्कान के लिए शादी की वेडिंग की ड्रेस देखने के लिए, तो हमने देखा ये वाला लहंगा। हाँ। ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, पिंक कलर, क्योंकि वो जो कलर था ना वो थोड़ा बेज कलर था, बच्चों पे खेलेगा नहीं, ज्यादा खेल रहे हैं। फाइनली मुस्कान का लहंगा हो गया डन, तो भैया इसका नाप ले रहे हैं, और इसका जो लहंगा मिल जाएगा पायल 22 को, इसको एक बार मेजरमेंट के लिए आना है, मतलब ट्रैक चेक करने के लिए, ट्रायल के लिए। तो मुस्कान सिर्फ हाँ ना, जी मामी जी, इसकी जी चाची जी, कम निकलते, क्योंकि ये बच्चे जो है बहुत शर्मीले हैं,
बहुत कम बोलते हैं। तो एक काम करना, हल्दी वाली थाली है ना, तू ऑनलाइन मंगा ले, ऐसे तो मिलेगी नहीं, हम ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे। मैं काम करती हूँ, ऑनलाइन मंगवाती हूँ कौन सी थाली, क्योंकि हमारी हल्दी कब के पाल 24 24 की, तो 24 से पहले पहले चाहिए ना हमें। देख ले, देख थाली के डिजाइन से। मैं देखती हूँ भैया, वो जिम्मी का फूड भी खत्म था तो मैं बाहर आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ जिम्मी का फूड लेके चलते हैं ना। हाँ, उसका फूड भी खत्म है, तो एक बार शॉप पे रोक लेना उसमें ना। मैंने देख हल्दी के लिए ऑर्डर कर दिया, ठीक है, अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात, ये 23 तारीख को आ जाएगा, 24 को हल्दी है ना, 23 को आ जाएगा। कल ना पंडित जी से पूछ लेंगे फेरों के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, क्योंकि फेरों के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है, तो उनको बोलेंगे आप लिस्ट बना दो, लिस्ट हमें व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि सामान तो हमें लेना है। तो एक काम करेंगे, कल सारा फेरों का काम कर देंगे। कल क्या हुआ, क्या हो गया पायल? तबीयत खराब हो रही है कालू भैया, जैसे आप जिस तरीके से कालू भैया एक्टिंग करते हैं लेकिन थोड़ी ज्यादा ओवर करते हैं। वैसे कालू भैया मतलब जिस तरीके से आप उड़कर आए थे ना टेबल से, ये समझ के बात था, जैसे अटैक आ गया मुझे, भैया देख ले आए हैं। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तीनों बच्चे बैठे चीकू गेम खेल रहे, आप दोनों देख रहे हो? टीवी देख रहे थे, खा रहे थे साथ। चलो खेल लो बेटा, क्या हो गया गोलू, कहाँ जा रही है? पायल मैं सोच रही थी जाएंगे ट्राई करके, देखो ऊपर तो ट्रक क्या ट्राई करना, मैं सोच रही इसकी लेंथ मुझे कम ना हो, सही है का? दिखा भाई, ये है मेहंदी का लहंगा, इन हाथों में मेहंदी से लिख के सजना का नाम, मेहंदी से लिख के सजना का नाम। हेलो भैया, आपको मैंने एक काम दिया था, आपने एक काम भी नहीं किया ना। क्या? उस दिन बोला था आपको, जहाँ शूट पे इतने सारे आम थे, इतने सारे पेड़ थे आम के, मैंने कहा था आम तोड़ लेना, मैं बहुत बढ़िया अचार बनाऊंगी और चटनी बनाऊंगी। तो अभी लेके आऊं? आप थोड़ी मिलेगा, क्यों मार्केट में नहीं आ रहे अभी? मार्केट में आए हुए हैं, मैं देखती पक्का। अरे मैंने कच्चा आम बोला है भैया को, कच्चे आम का अचार बनाना है। चिपकन को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया है, मतलब इतना शरारती हो गया ना, मैं सोचती थी ऊपर कैसे जाता है, आज मैंने देख ही लिया और ये दिखाऊंगी कैसे जाता है ऊपर, देखो बहुत शरारती है, मतलब यहाँ पे खड़ा होता है, पहले यहाँ से यहाँ पे जंप मारता है, जब मार के तार से ऊपर चला जाता है। हमारे घर के सारे सदस्यों ने शादी की मिठाई खा ली है, चिपकन रह गया था, तो चिपकन को भी मिठाई दे दी है, वो भी फुल शौक से खा रहा है मिठाई। हम लोग पहुंच गए तेजेंद्र भैया के घर के बाहर और बिल्कुल बाहर ही खड़े हैं वो, बस जाके उनको कार्ड और मिठाई दे देते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। ला मैं पकड़ू रहे मुझे तेरे वजन ज्यादा, ला मैं पकड़ लू, नहीं मेरा वजन ज्यादा। तो मैं और गोलू कार्ड दे के आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर पे और जल्दी से जाके चीकू को खाना खिला के सुलाना है, कल की जरा बिल्कुल नहीं करना है, उसको स्कूल भेजना है सुबह। सबको पता है कल क्या हुआ था? नहीं मैंने बताया नहीं किसी को, ये हमारा सीक्रेट, हम बताएंगे। मेरे ब्लॉग में पता लग जाएगा भाभी। हाँ नितिन भैया और चीकू का ब्लॉग देखना है, वहाँ पता चल जाएगा। चिरायू पायल मलिक पे जरूर देखेंगे कल क्या हुआ था ऐसा कि हम चीकू को स्कूल नहीं भेज पाए। रखो इसको, खाना खाओ फटाफट। हाँ जी, टीवी 8 बज रहे हैं, कल स्कूल पक्का जाना है आपको। ये जो जिम्मी है ना, इसने अपनी पूरी नींद कर ली है पूरी, अभी पूरी रात जो है ना ये शैतानी करेगा। बस अभी अभी हनुमान जी का कॉल आया, वो भी निकल रहे देहरादून से, मतलब रात को 1:30-2 बजे तक पहुंच जाएंगे। और हम लोगों ने भी आज का जो काम था सारा कर लिया है, कार्ड भी दिए हैं, अभी 2-4 घर और हैं जो हमारे पास के हैं जिनको कार्ड देना है, वो कल देंगे हम। और जो फेरों के टाइम पे बहुत सारा सामान लगता है, बहुत सारा सामान, उसके कल हमें जाना है सारी शॉपिंग करने। पंडित जी को अभी फोन करने वाली हूँ मैं और उनको पूछने वाली हूँ क्या क्या आता है। आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा, घर में काम करने वाले कम होते होंगे, काम बहुत ज्यादा होता होगा, और हमारे घर में तो हम 3-4 लोग ही हैं, मैं, कालू भैया, चीकू के पापा नितिन और गोलू, बस हम 5 ही लोग हैं जो पूरी शादी मैनेज कर रहे हैं। खाना लेके आइए, चलो खाना खाओ, दीदी खिलाएगी आज आपको खाना। मुकुल बेटा आप भी उठो, इसको जिमी को नीचे उतारो, हो गया टाइम उठने का आपका? हाँ बदमाश कहीं के, सबसे ज्यादा बदमाश बच्चा तू है हमारे घर का। चीकू फोन छोड़ दे, फोन छोड़ के खाना खा ले, नहीं थोड़ी देर मम्मा दीदी को भी खाना है ना, अपने हाथ से खाओ। तो सब लोग डिनर कर रहे हैं और जिमी उठ के आया अपना डिनर करने, उसके दोनों प्लेट तैयार है, चलो जिमी जाओ जाओ बच्चे खाओ। बने घर में कढ़ी और चावल, मुझे कह रहे मुकुल चाची चावल डाल दो, मैं चावल डाल दिए, कह रहे चाची चीनी दो, तो मुझे लगा चीनी क्यों, कह रहा चीनी डाल के खाऊंगा चावल। हाँ ऐसे खाते हैं बच्चे, मैं भी खाती थी पहले। ऊपर डाल दूं पक्का? इसमें इसमें दही भी मिक्स करते हैं ना, तो भी अच्छा लगता है। तीनों बच्चों का टाइम आ गया दूध पीने का। चीकू दूध गिरना मत, ठीक है बेटा? लग ही रहा था मुझे। अब चीकू बड़ा हो गया, चीकू ने बॉटल छोड़ दी है, चीकू किसमें पीता है दूध? ग्लास में। जब चीकू बहुत छोटा था ना तब वो बॉटल में दूध पीता था, बहुत ही छोटा, मतलब लगा लो 1-2 महीने का, तब वो बॉटल में पीता था।
पर एक दो महीने बाद ही चीकू ने बॉटल छोड़ दी थी। तो शादी से पहले ना हम एक महीने पहले इतना सारे काम करते हैं तो ऐसा लगता है यार अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है। और जब शादी आ जाती है ना, जैसे अभी तो मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है, एक्सपीरियंस करने वाली हूँ अब मैं, तो एक ही दिन में झट से सारी तैयारियां खत्म। मतलब जितनी भी हमने एक महीने से सारी तैयारियां कर रहे हैं वो एक ही दिन में खत्म। ऐसा लगता है यार ये तो दिन बहुत छोटा था। तो ये जो तस्वीर है ना, इसका मिरर टूट गया था, इतने दिन से दी हुई थी नितिन भैया को कि ठीक करवा लो। एक महीने बाद आई है ये फोटो वापस ना। चिकन को देख लो कहाँ चढ़ा हुआ है, टीवी के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है भाई साहब। इसको अपना घर पसंद नहीं है, घर से बाहर निकल के आवारा मटरगस्ती करता है। प्रेस वाले कपड़े भी आ गए हैं तो सारे के सारे जो कपड़े वो लगा देती हूँ, और जो हमारे मेहंदी के कपड़े हैं वो हल्दी के कपड़ों के साथ रख देती ताकि कपड़े खराब ना हो। सुन यार एक बार डायरी निकाल दे, दो दिन से मुझे डायरी मिल नहीं रही। जो सुन जो जो गेस्ट को हम कार्ड भेज रहे हैं, इनविटेशन भेज रहे हैं, उनको टिक कर देती हूँ, फिर बाद में हम सब कुछ भूल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 9 दिन रह गए बेबी। इधर आओ, क्या खाया? इधर आओ जिम्मी, क्या खाया दिखाओ मुझे। इधर आओ जिम्मी। इतना सुस्त इसलिए हो रखा है क्योंकि नीचे इसको नहलाया गया है। अभी अभी हमें सूचना मिली है कालू भैया के द्वार से। कालू डायरी देख ली, सब कुछ हो गया पूरा? ठीक है, वादे वादे नहीं है, वो गद्दे लिखा है। वो लिख रहा था, मेरे को लगा गा लिखा है, गद्दे मैंने लिखा है ना। गद्दे भी तो हो गए ना, मैंने गद्दे हो गए, पंखे हो गए, हलवाई हो गया, और ढोलकी ढोलकी नहीं है, ढोलकी लानी है अभी, ढोलकी बाकी है, और मुस्कान के कपड़े हो गए, मेहंदी वाला हो गया, फूलों वाली ज्वेलरी नहीं आई ना अभी, वो बुक करी थी हमने मेहंदी के। देख मेहंदी के 25-20 लोग तो हो गए हैं मेहंदी वाले उड़ते। थोड़ी देर करके आपने 8 बजा दिए चीकू, सुबह स्कूल जाना है पक्का किसी भी हाल में। 5 मिनट और देख लो फिर। हाँ प्लीज सुन लिया, 5 मिनट और देखो फिर सुन लिया। अच्छा बहुत शाना है चीकू। 5 घंटे तेरे को मतलब पता है? आधे घंटे का मतलब क्या होता है? आधे घंटे और 5 घंटे? 5 घंटे का पाएगी क्या? 2 माटो माटो नहीं लिखा, वो मासी लिखा है। तेरे को मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही? इतना 2 माटो लग रहा था, मासी लिखा है गोलू। अच्छा और मेरे को ना कल ये समझ नहीं आता, पूछा नौरव में करी, नौरव पुनीत कौन है? गौरव डांसर है वो। नौरव पनीर लग रहा है। मेरी राइटिंग ना मुझे समझ में आएगी, तुझे समझ में नहीं आएगी। भाई एक लास्ट गेस्ट, टिक्का बर्गर। टिक्का बर्गर नहीं है, टिक्का भैया लिखा है गोलू। तो ना मजाक मत उड़ा मेरी राइटिंग का। गाइस हमारा तो ये चलता रहेगा, ये मेरा मजाक उड़ाती रहेगी मेरी राइटिंग का। इस वाले व्लॉग को मैं यहीं खत्म कर देती हूँ, ज्यादा बेइज्जती ना करूंगा अपनी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड नाइट।